देश भर में जिस तरीके से बीजेपी लगातार कांग्रेस और बाकी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, उससे जनता में क्या वाकई में ही सही संदेश जा रहा है? क्योंकि जो नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो अपनी मूल माटी में कोई झंडे नहीं गाड़ कर आए हैं। ज्यादातर नेता ऐसे हैं या तो चुनाव हार चुके हैं या फिर उनके पीछे कोई बड़ा जनाधार नहीं है। उल्टा इन नेताओं के खिलाफ बीजेपी ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा चुकी है और ईडी सीबीआई जांच कर रही है। तो क्या कांग्रेस जो कहती है कि उनके नेताओं को बीजेपी में शामिल करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाया जा रहा है वो सही है, लेकिन उससे उलट इसका बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? जनता का भरोसा क्या बीजेपी पर बना रहेगा जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप? वो बीजेपी में शामिल उन नेताओं के बारे में क्या जनता की राय बदल जाएगी? क्या जनता कुछ ही वक्त में कांग्रेस के नेता को बीजेपी का मान लेंगे? इससे भी बड़ा सवाल, क्या बीजेपी कार्यकर्ता उनको स्वीकार करेंगे? जो नेता बीते 5 सालों से मेहनत कर रहा है उनका क्या होगा? क्या बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू नहीं होगी? क्या राहुल कंसवा जैसे बड़े नेता का टिकट काटना सही है? क्या लालचंद कटारिया के जरिए सतीश पुनिया का कद छोटा किया?